हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। महाराष्ट्र में सियासी भगदड़ मचने के आसार, पांच राज्यों का परिणाम देख भाजपा की तरफ रुक कर सकते कई बड़े नेता। पिछले दिनों पांच राज्य में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा और आम आदमी पार्टी का बोलबाला रहा है। चार राज्यों में भाजपा ने जीत दर्ज की तो पंजाब में आम आदमी पार्टी ने बहुमत हासिल कर लिया। अब महाराष्ट्र में भी बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो कि विकल्प तलाश रहे हैं। इसमें कई मौजूदा विधायक और वरिष्ठ नेता भी शामिल है जो कि भाजपा और आम आदमी पार्टी की ओर जाने का मन बना रहे हैं। सोमवार को एनसीपी के राज्यसभा सांसद मजीद मेमन ने ट्वीट किया कि अगर नरेंद्र मोदी को जनता जिता देती है और वो विश्व में सबसे प्रसिद्ध नेता साबित होते हैं तो उनके अंदर कुछ तो अच्छे गुण होंगे, कुछ काम ऐसे होंगे जो कि विपक्ष के नेता अपने समय में नहीं कर पाए। मेमन के इस ट्वीट के बाद उनकी पार्टी के लोग ही हैरान रह गए। इसके बाद मेमन ने कहा कि मेरी बात का गलत मतलब निकाला गया है। उन्होंने कहा मैं भाजपा नहीं ज्वाइन कर रहा हूं। वहीं एक कांग्रेस नेता ने कहा कि महाविकास अगाड़ी के दूसरे नेता, खासकर जो कांग्रेस में हैं, वे अब सोच में पड़ गए हैं। पंजाब में करारी हार के बाद उन्हें अपने भविष्य की चिंता हो रही है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और यूपी में जब हमारे हाथ से एक बार सत्ता चली गई, तो दोबारा कभी लौट कर नहीं आई। अब इसी श्रृंखला में पंजाब भी जुड़ गया है। उन्होंने कहा बहुत सारे लोगों का मानना है कि अगर 2024 में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी मिलकर भी चुनाव लड़ेंगे तब भी भाजपा की जीत होगी। वहीं आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य प्रतिनिधि मेनन ने कहा कांग्रेस के कुछ बड़े नेता हमारे संपर्क में हैं, अभी हम अपना समय लेकर विचार कर रहे हैं। जागरूक टीवी की मुंबई से खास रिपोर्ट।